नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, नवंबर मास के अंतिम पड़ाव में चलते हैं, अंतिम सप्ताह के रूप में साप्ताहिक फलादेश। अभी तक आपको इन फलादेश से क्या लाभ हुआ ये आप मुझे सूचित कीजिए मेरे कॉमेंट बॉक्स में, और अधिक विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबरों से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपके जन्म तिथि, समय एवं जहां पर जन्म हुआ है वह स्थान आप मुझे लिख के भेज दीजिए, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक जितना मुझे ज्ञान है उसकी चर्चा आपके साथ कर सकूं। और यदि मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से किसी को लाभ हो सकता है तो मैं आपको, अपने आप को अति धन्य मानूँगा। आइए सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चलते हैं। मेष राशि वालों के साथ यह सप्ताह बड़ा लाभकारी है, उत्तम रहेगा। जो पीछे से आप कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिलती चली जाएगी, और उन सफलताओं के द्वारा ही आपका मान होगा, सम्मान होगा। तो साथियों, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला विचारों का है, यानी जो काम पहले से आपने किए हुए और जो कर रहे हैं उन दोनों की सफलता आपका निर्णायक बनेगी, और यह मास आपके लिए अर्थात मास का अंतिम पड़ाव आपके लिए सुखदायक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा आप जो हैं अधिक सोचते हो, चिंता में पड़े रहते हो। उस चिंता से दूर हो जाइए, चिंता छोड़ दीजिए। हम कहते हैं ना, चिंता चिता समान है, ये जलाती रहती है। उन चिंताओं के द्वारा यदि कार्य हो जाता तो सभी चिंता करते, लेकिन अपने चिंतन को रखिए साथ में, लेकिन कर्म को प्रबलता दीजिए, प्रथमता दीजिए। धन धान्य का लाभ रहेगा, लेकिन शरीर में थोड़ा अस्वस्थता रहेगी, इसलिए शरीर के प्रति सचेत रहें। इस सप्ताह आपने करना क्या है, यदि आप कर सकते हो तो इस सप्ताह के अंतर्गत मिष्ठान दान, मिठाई का दान जो है अपने मंदिर में, देवालय में, या जहाँ भी अपने नाते रिश्तेदारों में बांट सकते हो, नहीं तो छोटी छोटी कन्याओं को मीठा आप दीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, उत्तम है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद होगा, हर प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है उनके, भगवान की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के कगार पे होंगी, बिल्कुल सफलता मिलती चली जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा, सचेत रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय लाभकारी तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा धन का अपव्यय होता चला जाएगा, कोई शरीर के अंदर आदि व्याधि ऐसी हो जाएगी जिसके कारण परेशानी होगी, चिंता बनी रहेगी, इसलिए सचेत रहें और वाहन इत्यादि को भी सोच करके चलाएं। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है, यदि आप करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी की उपासना कीजिए, सफलता प्राप्त होगी आपको। तुला राशि वालों के लिए समय ठीक है, लाभकारी है, उत्तम है, धन धान्य की वृद्धि होगी, आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी, और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, नए कार्य, नए विचारधारा बनने की संभावना बनेगी, इसलिए इस सप्ताह का आनंद लीजिए, परिपूर्णता के साथ में जुड़े रहो। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन सहयोगियों के द्वारा ही उत्पन्न होगा, इसलिए अपने आसपास देख लिया कीजिए, कौन आपको सचेत करता है, चिंतन कीजिए। आपने क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, भगवान हनुमान जी बजरंगबली आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, धन धान से परिपूर्ण है, सफलता चरण चूमेगी, अनेक प्रकार की सफलताएं आपको जो है सप्ताह के अंतर्गत मिलने की संभावना है, तो लाभकारी। कुंभ राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, सचेत रहें शरीर से, और हो सकता है कि शरीर इस समय जो है कष्टदायक हो, परेशानी हो, तो आप औषधि इत्यादि करके अपने शरीर को सचेत बना सकते हैं, और साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा, कोई आपके धन को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए किसी को धन देने की चेष्टा न करें, कोशिश करें टाल दें अगले महीने तक, सप्ताह तक, तो आपका धन भी रुका रहेगा और आपकी परेशानियां भी उत्पन्न नहीं होंगी,
करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत, इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहो तो आप फलों का दान कीजिए, सफलता आपके चरण छूएगी। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा, धन धान्य की परिपूर्णता होगी, यशमान में वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगने की संभावना है, परिवार में सुख आनंद रहेगा। तो साथियों, ये तो था नवंबर मास के अंतिम सप्ताह का फलादेश। नए विचारों के साथ में नए महीने में फिर आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।